तो फिर लीजिए, हो चुका है मशरूम सूप तैयार। और इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मशरूम लिए हैं, वैसे ज्यादा है 30-40 ग्राम, लेकिन मैं काउंट 250 ही कर रही हूँ। साथ में है अदरक और लहसुन, वो भी चॉप किए हुए। पैन में मैंने डाल दिया अमूल बटर, आप चाहे तो घर की मलाई से बना बटर डाल सकते हो, देसी घी डाल सकते हो, जो आपका दिल करे डाल सकते हो। उसमें डाल दिया लहसुन, फिर डाल देंगे इसमें अदरक जो कि चॉप किया है, अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। और इसे पकाना है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से, फिर इसमें डाल देंगे हम मशरूम। और मैंने कहा था कि 250 से ज़्यादा है और मैं 250 ही काउंट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब हम पकाते हैं ना तो बीच बीच में हम खाते भी जाते हैं मशरूम, तो वो कम होकर 250 ही रह जाते हैं। इसी वजह से मैंने पहले ही ज़्यादा मशरूम को 250 काउंट किया था। और कुछ लोग कहते हैं कि मशरूम को धोना नहीं है, मशरूम में पहले से पानी होता तो और पानी पानी वाले हो जाएंगे, तो धोना तो पड़ता है, थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है। और अब मैंने डाल दिया सॉल्ट, वही स्वाद अनुसार इसे लगाएंगे ढक्कन और धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन पानी नहीं डालना क्योंकि पानी तो ऑलरेडी रहता है ना इसमें। और आप देखिए 10 मिनट के बाद मशरूम पक चुके हैं और पानी सारा सूख चुका है। और इस बार ना मैं थोड़ा अच्छे से पका रही हूँ, जैसे लहसुन और अदरक को भी मैंने एकदम डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर दिया था, वैसे ही मशरूम को भी। अब क्या करेंगे, सूप बनाने की तैयारी। तो सूप बनाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ेगा, सबके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग आधे मशरूम को यूं ही रखते हैं और आधे का पल्प बनाते हैं, कुछ लोग सारे ही मशरूम को मिक्सी में पीस लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे ही मशरूम है ना उनको ऐसे ही रखते हैं जैसे आप देख रहे हो आधे कटे, जिस तरीके से भी कटे हुए हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, पानी डालकर, आप कहोगे वैसे तो पतला हो जाएगा, नहीं, उसमें क्या करना है कि साइड कर लीजिए मशरूम को, जो खाली जगह बची उसमें डालिए बटर, उसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लोर 1 या 2 चम्मच, उसको अच्छे से पका लीजिए, फिर उसमें मिक्स कर लीजिए सारे मशरूम, डाल दीजिए पानी, तो आपकी ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी और मशरूम भी ऐसे रह जाएंगे। लेकिन मैं आधे पीसूंगी, आधों को ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन मिक्सी में नहीं पीसने वाली हूँ, वही मेरा जुगाड़ू तरीका, गिलास में डाल दिया आधे मशरूम, इसमें ही ब्लेंडर से पीस दूंगी, लेकिन पहले ब्लेंडर को धो लूंगी, मैं कभी भी ब्लेंडर ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर ज़रा सा इसमें इसे धो लीजिए, फिर मशरूम में भी थोड़ा पानी डाल दीजिए और पीस लीजिए। अगर आपको पीसते वक्त थोड़ा गाढ़ा लगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, और जब पीस जाए तो ब्लेंडर को ऐसे मत रखिए, उसे भी उसी वक्त धो लेना है, उसी गिलास में जिसमें हमने पीसने से पहले धोया था। तो लीजिए धुल चुका है, इसे अब टैप के नीचे थोड़ा सा साफ कर लें, और ये काम हो चुका है साफ करने का। तो लीजिए हम आते हैं पल्प पर, तो जो पल्प हमने बनाई थी वो डाल देंगे मशरूम में, क्योंकि आधे हमने यूं ही कटे हुए रखे थे, आधों को पीस लिया है। तो जिस गिलास में मैंने ब्लेंडर से पीसा था ना, उसमें ज़रा सा धो लूँगी और वो पानी डाल दूंगी। और अब होती है सूप की तैयारी। तो सूप बनाने के लिए कितना गाढ़ा कितना पतला रखना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पीना कितना कैसे है, पतला या थोड़ा गाढ़ा सा। तो काफ़ी गाढ़ा इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और एक बात का ख्याल रखना कि जब भी उबलती उबलती चीज़ें हैं ना, उसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, तो मैंने गर्म पानी ही डाला है। और इसे 1-2 मिनट तक पकाना है, क्योंकि मशरूम ऑलरेडी पक चुके हैं, पानी भी गर्म है, तो इसे पकाना है 1-2 मिनट पर। और इसमें डालना है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जो कि मैंने डाला था लेकिन कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं बता नहीं पाई। तो हो चुका है मशरूम सूप तैयार और पीने के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं निकालूंगी बोल में, और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने बहुत पतला भी नहीं रखा है, ठीक ठीक सा रखा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पतला कितना गाढ़ा चाहिए, आप कितना कैसे पसंद करते हो पीना, तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो तैयार है मशरूम सूप, इसे मैं गार्निश करने वाली हूँ स्प्रिंग अनियन से, क्योंकि मुझे स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हो चुका है मशरूम सूप तैयार। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू।